नमस्कार, मैं हूं संजीव कपूर। और संजीव कपूर आपके सामने जब आ जाते हैं तो भूख भी लगती है, ऐसा भी लगता है खाना बढ़िया से मिलेगा। भाई मैं तो बता सकता हूं, करना तो सब आपको पड़ेगा। अच्छा, तो ये ब्राउन राइस में सबसे बड़ी फिर बात आती है, बनेंगे कैसे? वैसे नहीं बनते, बड़ा टाइम लगता है। क्विक कुकिंग वे HET टेक्नोलॉजी के साथ में, हाइड्रेशन, मतलब बड़े प्रोसेस, बड़े लंबे चौड़े, ऐसे कि अच्छे से बन जाए, जल्दी बन जाए, 15 मिनट में बन जाए। अब इसको कैसे टेस्टी बनाना है, एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं रेसिपी के साथ में, ब्राउन राइस के साथ में। तो बनाते हैं थोड़ा सा घी। ये बनाने के लिए ये उबले हुए अंडे, मुर्गी के अंडे लीजिएगा, मुर्गे के तो वैसे भी नहीं होते, तो ये अंडे ये ले लिए। एक टिप दे देता हूँ अंडे उबालने की। अंडे उबालने के लिए जब आप अंडे उबालें, उबलते पानी के अंदर, हार्ड बॉयल्ड अंडे बनाने हैं आपने तो करीब जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो अंडे उसमें प्यार से धीरे से डालें, और उसके बाद उसको 12 मिनट तक घड़ी देख के उसके अंदर उबालिए, फिर 12 मिनट बाद निकाल दीजिए। चलिए, ये जो अंडे हैं ये लाइटली ब्राउन कर लिए और इसको निकाल के रख लें। ये उबले हुए आलू डाल लेते हैं ये, और इसको भी इसी तरह से हल्का लाल करना। चलिए, ये आलू भी हो गए। अब क्या करना है, उसी के अंदर छोटी इलायची, लौंग, उसके साथ साथ दालचीनी, ये आ गई। इसके साथ में प्याज कटे हुए, चलिए प्याज को अब थोड़ा सा पका लेते हैं। वाह, क्या खुशबू आ रही है प्याज की। ब्राउन राइस लेकर लोगों के मन में प्रश्न तो बड़े होते हैं कि पता नहीं कैसा होगा, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, स्वाद कैसा होगा। अब देखिए, अगर कोई बड़ी कंपनी, दावत जैसी कंपनी, इतनी मेहनत करके अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस ले रही है, ब्राउन राइस ले रही है, के साथ में मेरी रेसिपी आ जाएगी। अब अंडा बिरयानी ले लीजिए, उसमें तो स्वाद नहीं होगा, 100% होगा, सेहत नहीं होगी, 100% होगी। अब लोगों को पसंद नहीं आएगा, 100% आएगा। तो ये प्याज के साथ साथ ये इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आ गया हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और फिर इसके अंदर टमाटर कटे हुए, नमक जरा भाई, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा तीखा तो होना चाहिए ना। तो ये इसके अंदर हरी मिर्च, भीगे हुए ब्राउन राइस, जी हाँ, दही भी इसके अंदर। ये हो गया दही, दही के साथ में थोड़ा प्याज, थोड़ा फ्राइड अनियन, और उसके साथ साथ इसमें पुदीने की पत्तियां, क्या खुशबू आती है इससे। तो चलिए, ये अंडे जो हैं ये काट के ये भी इसके अंदर सारी चीजें एक साथ पका देंगे, और उसके साथ साथ ये आलू भी, और इसके साथ साथ अब ये पानी। तो खुशबू जो है इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर, धीमी आंच पर इसको पकने दें। आप तब तक अपना काम कर लीजिए। ये जो है बस ये तो तैयार हुई और आपने खाई।